Today is Hostel Water, third class, practice set. Your video is watching, video is last seen. Practice set start now. Complete your class. Have a join up membership. Your complete course. Your benefit is fourth step. First, down. Second, chat. Third, like. और बहुत सारे अदर से जो बेनिफिट है. सो आई हैव यू यूजफुल कंप्यूटर क्लास प्रैक्टिस सेट 3. स्टार्ट नाउ अगेन कंप्लीट कोर्स. कंप्यूटर हॉस्टल वार्डन प्रैक्टिस सेट इज कंटेनिंग यूअर बेस्ट परफॉर्मेंस. यूअर सपोर्ट इज बेस्ट क्लास. थर्ड इज कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नाउ विल बी कंटिन्यू. फाइनली कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर आप जुड़ जाएगा कंप्यूटर के हार्डवेयर से. क्वेश्चन देखेंगे टोटल 50 MCQ. हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है. हर एक क्लास में आपको मैं बता रहा हूँ. तो चलिए आप लोग ज्वाइन कीजिएगा जितने भी एक बार जुड़ चुके हैं और कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा. टोटल 50 MCQ देखेंगे. बहुत ही कम समय है, आप लोग प्रैक्टिस सेट करने स्टार्ट कर दीजिएगा. क्लास तीसरा है. कौन सा है अभी? क्लास तीसरा चल रहा है. अगर सेकंड क्लास आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है. स्टार्ट करते हैं. फिर ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर उपयोग करना आसान हो जाता है. मतलब याद रखना जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, यहाँ से बिल्कुल एग्ज़ाम में आपका 70% क्वेश्चन पूछा जाता है. इसीलिए यह प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ. ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं. तो देखिए बहुत लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है. बिल्कुल सी आंसर अधिकतम दिखाई दे रहा है. इसका आंसर ए नहीं होकर सी होगा, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम जो यूटिलिटी यानी कि ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उपयोग करना सरल बना देता है. याद रखना एग्ज़ाम में कि जो यूटिलिटी प्रोग्राम है वो हमेशा कंप्यूटर को उपयोग करना सरल बना देता है. जैसा कि अभी आपको कंप्यूटर में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो हमको सरल बना देता है. ठीक. सेकंड क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि. त्रुटि का मतलब होता है एरर, जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? बग, बाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं. सभी के लोग आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा. बिल्कुल गधे के तौर पर ना बैठिएगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम यानी कि इसका वैकेंसी बहुत जल्द आ सकता है. कभी भी एग्ज़ाम आ जाएगा तो आपको 1 से 1.5 माह का समय देता है एग्ज़ाम लेने में. तो अभी से आप प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 65 नंबर का कोई नहीं रहता ना. यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, OMR सीट चेक नहीं होता उनमें. अगर आप 25 नंबर नहीं लाते ना हॉस्टल वार्डन में, अगर 24 नंबर भी लाओगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा. इसीलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो, समय के रहते प्रैक्टिस कर लो. पहली बार आए हैं क्या हमारे चैनल पर? जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके रख लो. ठीक. चलिए, इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है ए. बिल्कुल राइट. जितनों ने आंसर दिया है ए, बिल्कुल सही है, बग. नेक्स्ट, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर, CPU या RAM? अब CPU का फुल फॉर्म होता क्या है तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलूँगा. CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं. तो तीसरा का बिल्कुल आंसर ए आना स्टार्ट हो चुका है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कि बिल्कुल सही है. बहुत लोगों का आंसर आना स्टार्ट नहीं हो रहा है ना. सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं. और अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा. सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा में बदलना होता है. वेब में सूचना, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई नहीं.
तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सूचना बी है ना। फटाफट आंसर आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग को आंसर खिला रहा हूँ। जितने भी ये क्वेश्चन है सभी का बैंक, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, पीएससी में ही पूछे गए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना वहीं से बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं है कि आपको ढूंढ के देगा वो है, ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं है कि आपको ढूंढ के देगा। हर्षल वाडन का जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें पूरा प्रैक्टिस सेट कर लो, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन है उसको रट डालिएगा, और मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ उसको तो बिल्कुल रट लीजिएगा। वीडियो एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। कभी भी आप एग्ज़ाम में जाओगे ना ये वीडियो को डाउनलोड कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। कभी भी आप खाली बैठोगे ना आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना। मेरा ऊर्जा बहुत ख़त्म हो चुका है आज, तीन तीन क्लास लेना बहुत मुश्किल होता है। क्या आएगा इसका आंसर पांचवा का? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने हेतु प्रक्रिया है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डिबगिंग, क्या होगा इसका आंसर पांचवा का? बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है तीन तीन क्लास में। डिबगिंग आएगा ना, डी आएगा इसका आंसर। चलिए इसका बताइएगा क्या होगा। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है, हमेशा याद रखना देखा और छुआ जा सकता है, उसको आप हार्डवेयर कहेंगे, और छू सकते नहीं, उसको सिर्फ देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो जो इसका आंसर पूछा गया है तो इसका आंसर ए होगा। चलिए सेवन का बताइएगा ना, कमेंट करते जाइएगा, बहुत ही कम समय बचा हुआ है क्योंकि एक क्लास और लेना है, ये सेकंड क्लास चल रहा है, थर्ड क्लास आपका मैथ्स का रहने वाला है ना। तो देखिए टाइम बहुत लोगों को पता नहीं है, तो टाइम आपका 7:30 से 9:30 के बीच में रहती है क्लास, जिसमें 9:30 को बिल्कुल क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका अपलोडिंग क्लास रहता है, जबकि 9:30 बजे आपका पूरा क्लियर रहेगा। करेंट अफेयर की क्लास भी लाएंगे जल्द है ना। क्या आएगा इसका आंसर सातवा का? ई, बिल्कुल सही है, हार्डवेयर है ना, वेरी गुड। बहुत लोगों का आंसर आना स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो क्या आप लोग क्या कर रहे हैं फिर, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते? सभी का सभी आंसर आना चाहिए, वरना फिर वीडियो को मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करके चले जाओ है ना। मैं वही कहूँगा, इतना ऊर्जा मैं बर्बाद थोड़ी ना करूँगा आप लोगों के लिए, जब प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। 50 क्वेश्चन अभी करना है, अभी 8वां क्वेश्चन चल रहा है, टाइम लेना है, लीजिए फिर, हमको क्या करना है, पढ़ो या फिर मत पढ़ो। कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंडक्स को क्या कहने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा बिल्कुल सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ प्रोग्राम चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत कहलाता है कौन सा? ये आपका विलोपित कर दिया है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, 9वां का, हाँ विलोपित कर दिया है व्यापम ने। 10वां का देखते हैं कि लिखित विवरण कहलाता है, तो जो लिखित हम लिखते हैं ना उसको विवरण में कौन सा दर्शाता है? तो डॉक्यूमेंशन, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है लिखित विवरण दर्शाता है। कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्र, याद रखना जो सीपीयू है ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अंतरों को अंतर में किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो मॉडेम, कंप्यूटर, इंटरनेट या इंटरफेस या बकर मेमोरी, बफर है ना, बकर नहीं है, बफर मेमोरी। इसका आंसर सी होगा, इंटरफेस। 12वां का होगा, कमेंट करो, 30 सेकंड का समय है, फटाफट कमेंट करो। क्या आएगा 12वां का क्वेश्चन? पढ़ने से पहला आंसर आना चाहिए अब है ना, प्रैक्टिस है, डेली कर रहे हो, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ लिया करो फटाक से। 12वां का आपका भी होगा सॉफ्टवेयर लाइसेंस, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा फिर, समझ में आ रहा है? जब आप पीसी पर्सनल कंप्यूटर जो गोद में लिया जाता है, क्वेश्चन और है, जो गोद में लिया जाता है उसको पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहते हैं, बूट करते तब क्या होता है? 14 का आंसर कितना होगा आपका? बिल्कुल ए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश में डिस्क में मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, और कोई क्वेश्चन मत पढ़ो। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे हम छू या महसूस कर सकते हैं, सीधा आंसर लगाइएगा, क्या लगाएगा?
हार्डवेयर, और जिसे हम महसूस कर सकते हैं क्या आएगा, सॉफ्टवेयर। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्य इसमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी या फिर ई, फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल आंसर ए आएगा, डाटा सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर फर्स्ट आएगा। 17 क्वेश्चन कहता है कि मूल स्रोत से किसी विभिन्न डेस्टिनेशन में कॉपी के डाटा को संरक्षण का क्या कहलाता है? तो इसका मेस, बूट, बैकअप, चार इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर होगा आपका बिल्कुल सी, बैकअप। MS-DOS आधारित पर्सनल वीडियो या फिर कंप्यूटर पर निम्न में कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा, 18 का बिल्कुल ए होगा, DOS 3। DOS का पूरा नाम क्या होगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए। इतना सरल क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछता, लेकिन अभी हॉल एग्जाम में पूछा गया था कि DOS का फुल फॉर्म क्या होगा। हमेशा ये वाले एग्जाम में पूछेगा, या फिर CPU वाले एग्जाम में पूछेगा, या फिर ये वीडियो वाले एग्जाम में पूछा, ये तीनों चीज एग्जाम में कभी भी देखोगे इसको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक नंबर में, है ना। तो DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी पर CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वीडियो का मतलब है तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक और क्वेश्चन पूछता है ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइए WWW का अर्थ क्या होता है, WWW का अर्थ क्या होता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, और W का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं जितने भी बता रहा हूँ ना फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और है, एक और याद रख लेना, HTML सुना होगा, HTML हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज इसे कहा जाता है। एक और ना याद रखना, HTML तो मैं आपको बताया अभी, हाइपर टेक्स ट्रांसफर होगा HTTP HP हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक और याद रखना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं जितने भी करा रहा हूँ ना सब याद कर लो। इसका क्या आएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही भी, सभी का आंसर आया अभी, देखिए 100% आंसर आया अभी सभी का, 100% ये वाला क्वेश्चन में 100% आंसर आया है। हाँ चलिए, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत होती है, आप सभी को मालूम होगा जो कंप्यूटर पर काम करते हैं ना, तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बिल्कुल ज़रूरत होना चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का आवश्यकता ही होता है। जैसे कि अभी मुझे हार्डवेयर की आवश्यकता है। विषम शब्दों को चुनिए, चलिए बताइएगा यूनिक्स, MS-DOS या फिर विंडो या एक्सेस, ये सभी क्या है। आउटपुट से हम क्लास करा चुके हैं, वायरस से संबंधित क्लास करा चुके हैं, जाइए प्लेलिस्ट पर देखिए, वहाँ पर बार बार क्लास नहीं पूछना है ना, अभी क्लास 3 चल रहा है, डेली क्लास चलेगा कंटिन्यू, जुड़ना है तो जुड़ो या ना फिर मत जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टाइम बार बात करने मत आना, टाइम, अरे भाई क्लास चल रहा है यहाँ पर टाइम पूछते हैं बैकवर्ड टाइप का, लास्ट में नहीं पूछ सकते क्या। डी होगा एक्सेस, सारे मूड खराब कर देते हैं बच्चे लोग यहाँ पर, कई बार समय पूछते हैं, कई बार क्लास टाइम पूछते हैं, क्लास चल रहा है क्लास टाइम पूछ रहा है, आंसर ये लगाओ उसको, मूड खराब कर देता है। ऐसे को ना मैं ब्लॉक इट करूँगा, कमेंट नहीं करना ना, अभी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है बस आपको, समय आपको पूछ लेना है लास्ट में, ठीक। यूनिस्का का विकास कब हुआ था, यूनिस्का का विकास 1969, डी आएगा इसका आंसर। कौन 50 लगा रहा है यहाँ पर, जब मैं 1969 बोल रहा हूँ तो 1950 बोलने की क्या ज़रूरत है, इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया कर। यूनिस्का की मुख्य भाषा क्या है, तो यूनिस्का की मुख्य भाषा आपका होगा सी, असेंबली, याद रखना, जो यंत्र को बदलता है, असेंबली भाषा यंत्र को बदलता है, असेंबलर कहलाता है। किसी फर्म के सभी ट्रांजेक्शनों की एक बार ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं, डाटाबेस, बैच, रियल टाइम, एनालिसिस सिस्टम। 25 का आंसर होगा बिल्कुल बी, बैच प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या पैकेज, इसका आंसर तो 100% आना चाहिए, 100%, कमेंट करो क्या आएगा।
कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो 26 का आंसर होगा बिल्कुल भी एप्लीकेशन, है ना। कभी भी आप सॉफ्टवेयर का उपयोग करोगे तो एप्लीकेशन का ही यूज करोगे ना। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये तो 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये आपका आ जाएगा 27 का आंसर बिल्कुल बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। हमेशा याद रखना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कवर करेगा। कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? तो कंपाइलर आप सभी को मालूम होगा, 28 का आंसर है बी निम्न स्तर का भाषा होता है, है ना कंपाइलर। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज आपका उच्च स्तर का भाषा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को अपनी भाषा में समझ के निम्न से मदद करना आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कंपाइलर ही तो कहलाएगा। तो इसका दोनों होगा, हार्डवेयर इसका कंपाइलर उच्च निम्न का। 30 का क्वेश्चन है आपका सी, एक मिनट ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि महत्वपूर्ण भाग है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। 31 का आंसर आप बताएं क्या होगा? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बाजार में जो बिकता है ना उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा? इसका आंसर बी होगा, सॉफ्टवेयर पैकेज। प्रोग्राम नहीं होगा ना, बी आ रहा है 90% और ए आ रहा है 70%। किसको लोगे? इसको तो लोगे ना। टर्नरकी क्या है? टर्नरकी सिस्टम ये एग्जाम में एक आध बार पूछा गया है। टर्नरकी सिस्टम शायद ये विद्युत विभाग में पूछा गया होगा। क्या आएगा ऑप्शन ए बी सी डी? फटाफट कमेंट कीजिएगा ना, फटाफट कमेंट करें। 32 का आंसर होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो टर्नकी होता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कंबाइनेड होता है। यूनिस्क के निर्माता हैं क्या आएगा? यूनिस्क के निर्माता हैं, 33 का आंसर बताइए क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब केन थॉमसन। कितने लोगों का आंसर दिया है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, मतलब आप लोगों का प्रैक्टिस सेट अच्छा चल रहा है। यूनिस्क की विशेषताएं क्या है? तो यूनिस्क की विशेषताएं हैं आपका 34 का ई, है ना, इसमें कोई नहीं है, सभी नहीं है, ई होगा उपयुक्त सभी, है ना। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या आएगा 35 का आंसर? प्रोग्रामी जो है जो आपको बताएगा कि आपको कैसे कंप्यूटर में काम करेगा, या कि संगणक बताएगा भाई, इसका आंसर बी होगा। कितने लोगों आंसर बी आया, कितने लोगों आंसर ए आया, कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता हार्डवेयर के बीच एजेंट की तरह काम करता है? 36 का क्या आएगा? बिल्कुल बी ओ एस, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपका काम करेगा एजेंट की तरह, ठीक। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? कई बार एग्जाम में आता है, हर बार असेंबलर और कंपाइलर से क्वेश्चन तो रट ही लो, है ना, ये ए और बी को रट लो, रट्टा मार लो, ठीक। तो 37 का आंसर होगा आपका ए असेंबलर। कभी असेंबली भाषा जो है ना मशीनी भाषा में बदलेगा असेंबलर कहलाएगा, और जो कंपाइलर है ना मशीनी भाषा बताएगा आपका यंत्र में कंपाइलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये देखो फिर से पूछ दिया ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंध बना तकनीकी सुविधा को क्या कहा जाता है? इतना सरल क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा भाई, हैं, इतना सरल क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? 38 का आंसर होगा आपका इंटरफेस। अब भी मैं आपको बताया ना, जब भी इसका दोनों के बीच में होगा इंटरफेस होगा, भूल कैसे जाते हो। कितने लोग आया इंटरफेस, कितने लोग अभी आया कमेंट करके बताएं, और ए आया है बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस होगा, एक बार में नहीं होगा दूसरे बार में हो जाएगा। एक बार में नहीं हो रहा है ना, वीडियो को एक बार पूरा देख लो, दूसरा बार आप रिवाइज कर लेना। किसी प्रोग्राम के मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? एनालॉग, ऑब्जेक्ट, पर्सनल, ऑफिशियल या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर होगा बी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। चलिए देखते हैं 40 का क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर
कमेंट करके बताओ। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? युद्ध, स्रोत, फर्म, लूप, इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आंसर होगा बिल्कुल डी, लूप प्रोग्राम। ठीक है, कितने लोगों का आंसर आया लूप प्रोग्राम? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत टाइम हो चुका है मुझे भी, क्या है तीसरा क्लास भी लेना है। तो कोई दिक्कत है आप लोग को तो कमेंट करके बताओ। 40 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, कल आप प्लस 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, अगर कल हम 50 क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन ऐड करके लाएंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन लाएंगे पार्ट 4 वीडियो में। यह आपका क्लास कौन सा था? तीसरा, पार्ट 3। हम पार्ट 4 में आपका 10 नंबर ऐड कर देंगे, उसमें आप प्रैक्टिस सेट कर लेना, है ना। मुझे बहुत टाइम हो रहा है क्योंकि एक तीसरा क्लास भी लेना है, थर्ड क्लास मैथ्स का चल रहा है ना अभी, वो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो 9:30 और 10 के बीच में आप क्लास ज्वाइन कर लेना मैथ्स का। ठीक, अभी कंप्यूटर का चल रहा है, छत्तीसगढ़ का भी क्लास फर्स्ट में होता है, छत्तीसगढ़ पहले होता है, उसके बाद आपका कंप्यूटर होता है। चलिए, अब जिनको पूछना है सवाल पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूछने से पहले बता दे रहा हूँ कि क्लास का टाइमिंग है ना, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की क्लास होती है, उसके बाद कंप्यूटर का, उसके बाद आपका मैथ्स का। ठीक है, ये तीनों ही क्लास आपकी बैच चल रही है, न्यू बैच है, बिल्कुल सही है, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, ज्वाइन करने टाइम पूछने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा पहले बात तो, और सेकंड बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, और जो घंटी होता है ना बेल आइकन का, उसको ऑल पर सेट कर लो, ऑल पर लिखो। बेल आइकन की घंटी दिख रहा होगा आपको, बेल आइकन का जो घंटी दिख रहा होगा आपको, हाँ बेल आइकन की जो घंटी इस प्रकार होगा ना, उसको आप ऑल पर लिख लो, ऑल पर सेट कर लो, इसको ऑल पर ऐसे क्लिक कर लो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा क्लास आ चुका है करके, है ना। तो टाइम मत पूछा करो, टाइम आपको मिल जाएगा बिल्कुल। सब्सक्राइब कर लो पहले चैनल को, आपको डेली आपको मिल जाएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किया उनको तो क्लास दिखेगा ही नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, जो चैनल को सब्सक्राइब किया है ना उसी को क्लास दिखेगा, और जो लाइक कर रहे हैं उसको परफॉर्मेंस मिलेगा कि उसका जो लाइक करते हैं ना उसका नाम पहले आता है मेरे पास। तो इसमें यहाँ पर कम से कम 50+ लाइक आना चाहिए, 50+ लाइक आना चाहिए इस चैनल पर। ठीक है, आप सभी का परफॉर्मेंस हम देखेंगे शाम को कि कैसा रहा आप लोगों का परफॉर्मेंस। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास करें पार्ट 4 में।